नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फाइनली हमारी RTR 200 की सर्विस हो चुकी है। फिफ्थ सर्विस करवाई है मैंने सैटरडे को, तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं फिफ्थ सर्विस के लिए गया था शनिवार के दिन। तो सर्विस तो बहुत बढ़िया हो चुकी है हमारी बाइक की। बाइक भी बहुत स्मूथ चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो बहुत दूर हो चुकी है और हम लॉन्ग राइड पर भी अब जा सकते हैं आराम से। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आई सर्विस करवाने के दौरान। तो मेरी बाइक के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी गियर सेंसर की। जैसे मैं कोई भी गियर लगाता था अपनी बाइक के अंदर, तो वो रॉन्ग शो करता था डिस्प्ले के अंदर। तो मुझे लगा सेंसर में प्रॉब्लम होगी, तो मैंने सर्विस सेंटर को बोला कि मेरी बाइक में कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इसको ठीक कीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम चेक करते हैं, हमारे पास अगर पार्ट अवेलेबल होगा तो हम आपकी ना बाइक ठीक कर देंगे, मतलब कि वो पार्ट जो है वो हम लगा देंगे। लेकिन ऑलमोस्ट सारी सर्विस कंप्लीट हो गई थी, सर्विस तो ठीक हुई थी, लेकिन वो पार्ट उनके पास था नहीं। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आसपास जो भी और सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पे आप पूछ लीजिए, तो अगर कोई पार्ट अवेलेबल होगा तो वो दे देंगे। अगर हो सका तो मैं ही जाकर ले आता हूँ, बस आप इंस्टॉल कर दीजिएगा, मतलब कि लगा देना उसके अंदर, पार्ट मैं ले आता हूँ जिस भी सर्विस सेंटर के अंदर अवेलेबल होगा। तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, पार्ट अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे एक बंदा था जिसने मुझे बोला कि भाई बात ऐसी है कि पार्ट ना यहाँ कभी अवेलेबल होगा भी नहीं, यानी कि अगर मैं वहाँ वेट करता 2 दिन या 4 दिन कभी वेट करता ना कि पार्ट आएगा, वो मंगवाएंगे तो इंस्टॉल कर देंगे, तो कभी भी नहीं हो पाता। और सेकंड चीज़ ये है कि जब मैंने उनसे कहा कि ये क्या ये पार्ट वारंटी में सर्विस हो जाएगा या वारंटी में चेंज हो सकता है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप ना चेक करवा लीजिए, अगर पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो पुराना पार्ट है वो कटा हुआ नहीं होगा या कोई ऐसा फॉल्ट नहीं होगा जो आपकी वजह से हुआ है, तो हाँ वारंटी में हम कर देंगे। लेकिन जब मैंने चेंज करवाने के लिए उनको बोला कि आप चेंज कैसे करवाओगे, या मतलब मुझे तो पार्ट यहाँ पे अवेलेबिलिटी है ही नहीं, मैं कहाँ से लूँ, दूसरी सर्विस सेंटर जाऊँगा, वो करेंगे कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, आप मुझे इस बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कस्टमर केयर पर बात कर लीजिए। तो उसके बाद फिर मैंने कस्टमर केयर पर बात करी, तो कस्टमर केयर वाले ने मुझसे ये कहा, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, अगर हो सका तो मैं अटैच कर दूँगा। तो सर्विस सेंटर वालों ने मुझे कहा कि आप कस्टमर केयर पर कॉल कर लीजिए। पहले तो मैंने 4 या 5 सर्विस सेंटर्स पर पता करा जो भी आसपास थे। मैंने ये सर्विस मंगोलपुरी से करवाई थी, सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है, हमेशा मेरी जितनी भी सर्विसेज है वो बहुत बढ़िया होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग ठीक कर देते हैं। अब कह लो कि ये सर्विस सेंटर वालों का स्कैम है या कॉल सेंटर वालों का स्कैम है, किसका स्कैम है कोई कुछ नहीं पता, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। अगर मैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन मांग रहा हूँ तो इनको कुछ भी नहीं पता, मतलब अगर आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग रहे हो कस्टमर केयर वालों से पूछ, मतलब अगर किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर केयर वालों से बात करेगा ना, लेकिन नहीं कुछ नहीं पता तो आप कहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढने जाओगे? सर्विस सेंटर पे तो आपको मैकेनिक बताएगा नहीं, वर्कशॉप मैनेजर है, आप उनसे पूछोगे या किससे पूछोगे? पहले तो आप कस्टमर केयर पे ही बात करते हो। तो फाइनली जब मैंने कॉल सेंटर पर बात करी, बड़ा बेकार इनका कॉल सेंटर है। लेकिन जब मेरा फाइनली कॉल कनेक्ट हुआ तो मेरी बात हुई एक लेडी से, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरी बाइक में और मेरा गियर सेंसर ख़राब है, तो आप मुझे बताइए कि ये पार्ट जो है ये वारंटी में सर्विस होगा या मुझे इसके लिए पे करना होगा। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट लाइन में ये आंसर किया कि नहीं सर, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है और आपको ना इसके लिए पे करना होगा, आप सर्विस सेंटर पे पूछ सकते हो कि सर कितना कॉस्ट है। मैंने कहा मेरे सर्विस सेंटर पे तो ये पार्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं किससे पूछूँ? लेकिन हाँ, ये पार्ट इलेक्ट्रिकल है तो मतलब मैं क्या करूँ, मतलब ये तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और मेरी बाइक में चलते हुए अगर ये पार्ट ख़राब हुआ है तो ये वारंटी में सर्विस होना चाहिए, और अगर ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है तो ये BS6 मेरी बाइक है, इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट ना इलेक्ट्रिकल है या ऐसे पार्ट है जो वियर एंड टीयर से ही ख़राब होते हैं। तो जो वियर एंड टीयर से ख़राब होते हैं, चलो मैं मानता हूँ कि आप मुझे वो ठीक करके नहीं दोगे, लेकिन जो भी पार्ट इलेक्ट्रिकल है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इन पार्ट्स के अंदर, तो वो लोग तो मुझे आप ही ठीक कर दोगे ना, या किसी और को मैं बोलूँगा, या मैं इन चीज़ें ख़राब होती है तो मैं इन चीज़ों के ऊपर अपना पैसा लगाता रहूँगा। तो आप मुझे ठीक से जवाब दीजिए, पता कीजिए कहीं अपने सीनियर से या जिसको जिसे,
पर मेरा ये बात बताइए कि ये वारंटी में ठीक होगा या कैसे ठीक होगा। तो वैसे तो मैंने लास्ट में मैंने सर्विस सेंटर पे जाने से पहले एक बार चेक किया था, यूट्यूब पे किसी पर्सन ने डाला हुआ था कि ये ना पार्ट ना 125 या 130 का आता है, और मैंने मुझे लगा कि 70-80 या 100 रुपये लेबर कॉस्ट होगी, तो मतलब मैक्स टू मैक्स मेरे 200 रुपये या 250 रुपये लगेंगे। तो चलो ठीक है, मैं अपनी जेब से करवा दूंगा, कोई बात नहीं। अगर ये पार्ट वारंटी में होता है या नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि अपनी जेब से करवा लूँ। लेकिन मैंने जब पूछा उनसे पार्ट, तो उन्होंने मुझे तो पार्ट की कॉस्ट 725 रुपीज़ बताई और 150 लेबर चार्जेस। तो एक तो सर्विस ही मैंने 1,500 रुपये से ऊपर की करवाई, और ये पार्ट ही अगर मेरा इतना महंगा है तो मैं क्यों ना वारंटी में ही करवाऊँ ना, क्योंकि मेरा फॉल्ट तो है ना अगर ये पार्ट ख़राब हुआ है। तो कॉल सेंटर वालों ने मेरे को जवाब दिया कि नहीं सर, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है और ये पार्ट ना आपका वारंटी में कवर नहीं होता। फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन, आप मुझे ये बताइए कि BS6 अगर मेरी बाइक है, इसमें सारे पार्ट या तो वेयर एंड टीयर से ख़राब हो सकते हैं या ज़्यादातर पार्ट इसके अंदर इलेक्ट्रिकल है, तो मेरा क्या फॉल्ट है इसके अंदर? तो आप जो भी पार्ट ख़राब होगा आप तो मुझे ये कहकर डिनाई कर दोगे कि ये पार्ट इलेक्ट्रिकल है या सर ये तो वेयर एंड टीयर से ख़राब हुआ है। तो मतलब मैं तो हर पार्ट के लिए वारंटी क्लेम ही नहीं कर सकता, फिर क्लेम आप वारंटी किस चीज़ की दे रहे हो? मैं क्या करूँ वारंटी का? फिर आप बोलते हो हर सर्विस पे कि वारंटी एक्सटेंड करवा लीजिए या ये सर्विस ले लो या वो सर्विस ले लो, तो इस चीज़ का तो कोई सीन ही नहीं है ना, या इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता कि मैं वारंटी एक्सटेंड कराऊँ या मैं वारंटी क्लेम ही करूँ। फिर तो हर पार्ट के लिए मुझे ही पैसे पे करने हैं। फिर उन्होंने भी थक हार के मुझे यही बोला कि आप अपने वर्कशॉप मैनेजर से बात कीजिए, वो आपको बता देंगे, वो चेक करके बताएंगे। तो फिर फाइनली मैंने अपने वर्कशॉप मैनेजर से बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपकी बाइक ज़्यादा रनिंग नहीं है, यानी कि 7-8 महीने या 10 महीने है, अगर आप इतने या कितने किलोमीटर से ज़्यादा, तो हम आपका जो ये पार्ट है वो वारंटी में चेंज कर देंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि सर ये पार्ट तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने मुझे फिर यही बोला कि हाँ पार्ट अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन आप वेट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे कि ये पार्ट कब अवेलेबल होगा। मेरे पास कॉल आया दूसरे सर्विस सेंटर से, उन्होंने मुझे बताया हमारे पास पार्ट अवेलेबल है, तो आप हमारे पास आकर चेंज करवा सकते हो। फिर मैंने सेकंड सर्विस सेंटर, मतलब जो वहाँ से करीब 4 या 5 किलोमीटर दूर था, फिर मैंने वहाँ से मैंने जाके नेक्स्ट डे मैंने वो पार्ट को चेंज करवाया। तो फाइनली मतलब कहने का मतलब यही था कि अगर सर्विस सेंटर वाले को सब कुछ पता है तो उनके पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, और अगर कोई बंदा कॉल सेंटर पे फ़ोन करता है तो उनको कुछ पता नहीं है, तो अगर मैं अपनी कोई शिकायत दर्ज करवाता हूँ या मेरे को किसी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर उन्होंने कॉल सेंटर्स को खोला ही क्यों हुआ है? तो ये तो एक तरीके से कह लो तो स्कैम ही चल रहा है। वैसे मेरी बाइक की सर्विस बहुत अच्छी हुई है और ये फिफ्थ सर्विस थी, तो अब इसके बाद जो भी सर्विस होंगी वो पेड होंगी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी फिफ्थ सर्विस में क्या क्या हुआ है। यहाँ पे साइड में बाइक खड़ी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये है अपनी RTR 200, देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, लेकिन बहुत गंदी हो चुकी है। ऑफिस में खड़ी होती है ना तो बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है इसके ऊपर, पर मैं साफ करूंगा तो स्क्रैच आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बिल जो उन्होंने मुझे बनाकर दिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले इंजन ऑयल चेंज हुआ है और स्पार्क प्लग चेंज हुआ है, इसके बाद चेन ल्यूब करवाया मैंने, इंजन फ्लश भी करवाया, और चेन क्लीन तो वो करते ही हैं, इंजन ऑयल चेंज करते हैं, इसके अलावा इंजन ऑयल का फिल्टर होता है वो चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो चेंज हुई हैं बाइक के अंदर, मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। तो इसमें चेंज करवाया हुआ है। तो अब ये फिफ्थ सर्विस थी मेरी बाइक की, तो इस फिफ्थ सर्विस के बाद अब जितनी भी सर्विसेज होंगी वो सारी पेड होंगी। वैसे तो मैं AMC भी बनवा सकता हूँ, लेकिन AMC के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, मैंने जब उनसे पूछा तो उस पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 200 या 250 रुपये का फ़र्क था लेबर चार्जेस में। तो सिर्फ 200 या 250 रुपये ही आप कम देते हो हमेशा लेबर चार्जेस में, तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। या अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ट्राई देखूँगा AMC लेना है या नहीं लेना है,
लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेरी बाइक में टोटल कॉस्ट आई थी सर्विस की वो करीब करीब आई थी, तो जो टोटल लेबर कॉस्ट आई थी वो करीब करीब 1600 रुपये आई थी मेरी बाइक में। लेकिन एक तो प्रॉब्लम हो गई है कि मेरी बाइक के अंदर ना चूहों ने बड़ी घर जैसा कुछ बना लिया है। इस पार्ट के पीछे अगर आपको दिख रहा होगा, मैं फ़ोटो खींच कर डाल दूंगा, तो उसके अंदर तार काट दिया चूहे ने और बड़ा नुकसान ही कर दिया है। वैसे मैंने सर्विस सेंटर वाले से पूछा था, उन्होंने कहा था अगर आप ये पार्ट पूरा चेंज करवाते हो तो करीब करीब 2500 रुपये आपका खर्चा आएगा। तो देखते हैं, अभी तो काम चल रहा है। स्टार्टर मोटर की तार काटी हुई है, सेंसर की तार काटी हुई है, ये दोनों पार्ट चेंज करवाने में करीब करीब 2500 रुपये खर्चा आएगा। तो जब भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो चेंज करवा देंगे, या लॉन्ग राइड पे जाने से पहले चेंज करवा लूँगा उसको मैं। तो बस यही है, हमारी बाइक सर्विस हो चुकी है इसकी, तो देखते हैं कब चेंज होते हैं पार्ट्स या कब हमारे पास पैसा आते हैं पार्ट चेंज करवाने के लिए। तो यही था बस आज की वीडियो में, वैसे तो कुछ भी खास नहीं था। बाइक की सर्विस में तो क्या ही खास होता है, सिर्फ तो आप बाइक सर्विस करवाते हो आपकी बाइक अच्छी चलने लग जाती है। हाँ, लेकिन ये आखिरी सर्विस थी ना, इसके बाद मेरे को ज़्यादा पैसे देने पड़े करेंगे। और अभी हम GT भी नगर पहुँच चुके हैं, बस घर ज़्यादा दूर नहीं है हमारा। तो बाइक की सर्विस के अंदर ना ज़्यादा खर्चा ऐसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मेरी स्कूटी के अंदर भी इससे ज़्यादा पैसा लग जाता था देखा जाए तो। मैंने वैसे उसका AMC ना लिया हुआ था, उसमें ज़्यादा फ़ायदा ना कुछ होता नहीं था। मैंने उसका AMC करीब करीब 1400 रुपये का लिया था, 1400 या 1500 रुपये का लिया था मैंने उसका AMC, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं था। बस मैं टोटल कॉस्ट में 100 या 200 रुपये बच जाते थे। आप हर सर्विस पे 650 रुपये लेबर तो नहीं दोगे, वही पैसे में से आपके 100-200 रुपये बच जाते हैं। आप सारा का सारा लेबर कॉस्ट एक बार में ही दे देते हो, बस वो फ्री में कुछ वॉशिंग से देते हैं। वैसे भी इनकी वॉशिंग कुछ खास तो होती ही नहीं है, जितनी बार भी वॉशिंग करवाता हूँ बाहर से वॉशिंग करवानी ही पड़ती है। वो ड्राई वॉश करते हैं, कोई गंदगी तो मिटती नहीं है बाइक की, बाहर से ही वॉश करवानी पड़ती है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब मैंने अपने अपाची के AMC के बारे में उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला 1700 रुपये आपको देने होंगे, जिसके अंदर आपको 4 सर्विसेज मिलेंगी। वो 4 सर्विसेज अगर मैं देखता हूँ डिवाइड करके तो करीब करीब कितने की जाती है, मेरी मैथ बड़ी ख़राब है, आप खुद देख लेना। लेकिन हाँ, ओवरऑल कॉस्ट में मेरी ये लगा लीजिए कि एक सर्विस के पैसे तो नहीं, 650 रुपीज़ उन्होंने मुझे बताया था कि आपके टोटल बचते हैं चारों सर्विस के बाद। तो एक साल करीब करीब हो जाता है चारों सर्विस करवाते हुए, तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि आप उनसे सारे सर्विसेज करवाओगे या नहीं करवाओगे। सारा पैसा एक बार में दे दो, अगर बाद में आपको सर्विसेज नहीं करवानी है, अगर आप अपने मैकेनिक से करवाओगे तो वो पैसा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप बाद में कभी चाहो कि AMC लेनी है तो आप कभी भी ले सकते हो। और ऊपर से उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर आप AMC लेते हो ना तो सर्विसेज ना सिर्फ हमारे ही सर्विस सेंटर से करवानी पड़ेगी, तो वो मेरे लिए ना बिल्कुल बेनिफिट वाला नहीं है, वो मेरे लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं कहीं लॉन्ग राइड पर जाता हूँ और अगर मुझे कहीं बाहर सर्विस करवानी है तो मुझे नॉर्मल कॉस्ट पर ही करवानी पड़ेगी, तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि मैं AMC बुक लूँ उनसे और 1700-1800 रुपये उन्हें एक बार में ही दे दूँ। और वैसे भी वारंटी वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया कि कोई फ़ायदा तो होता नहीं है इनसे वारंटी क्लेम करने का, जब इनके पास कोई पार्ट अवेलेबल नहीं होते या फिर इनके किसी को पता ही नहीं होता या वहाँ पर कि ये पार्ट ये वारंटी में क्लेम होगा या नहीं होगा या ये पार्ट कैसे चेंज होगा। लास्ट टाइम भी जब मेरे इंजन के अंदर से ऑयल लीक हो रहा था तो उन्होंने कोई पार्ट चेंज किया था, मुझे नहीं पता। मैंने उनसे बोला कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, फर्स्ट सर्विस के अंदर ही ये प्रॉब्लम आई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं सर, ये तो वेयर एंड टेयर का पार्ट होता है, ये आपको पे करना होगा, लेकिन वो बहुत महंगा पार्ट रहता है, 125 से 130 रुपये मैंने उस पार्ट के दिए थे। तो चलो कोई बात नहीं, इतना तो कोई भी चला सकता है, लेकिन अगर कोई पार्ट बहुत महंगा है, 800 रुपये या 1000 रुपये आपके किसी पार्ट से ख़राब हो रहा है, तो वो पार्ट अगर वारंटी में ठीक नहीं हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के कारण,
वो पार्ट तो इनको ही चेंज करना चाहिए ना, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं होता। वैसे तो मेरा पार्ट वारंटी में चेंज हुआ है, मैंने उसके लिए 1 भी रुपया पे ही नहीं किया। लेकिन हाँ, बस मैं ये कहना चाहता था कि इनके किसी भी केयर वालों को या इनके मैकेनिक्स को या किसी को भी ना इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।